तूने देख लिया था आज मैथ्स का है भाई? अबे आज मैथ्स का था क्या? तो बचिए शर्म नहीं बचिए मत रो भाई चल। हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अभी मस्त नहा के पूजा करके आ गया हूँ मैं सुबह सुबह। यहाँ पर बन रहा है अपना नाश्ता। नाश्ते में है ब्रेड तो मैंने नाइन्थ के बच्चों से पूछा कि आज कौन सा पेपर है आप लोगों का, तो बोले मैथ्स का। आज आज मैथ्स का है। आज बड़ा मैसेज कोई नहीं आया स्कूल से, हुए थे तो फिर तो बोल रहे कि मैंने स्कूल से फोन करवाया आपके फोन पे कि कहीं इसका कहीं तबियत तो खराब नहीं है, छूट तो नहीं गया, तो आप लोगों ने पिक नहीं करा फोन। तो वो कह रही बेटी जब घर में आ गई तो तब मैं आपको कॉल कर रही हूँ कि तबियत तो ठीक है बच्चे की करके। तो तूने देख लिया था आज मैथ्स का है भाई? तू अबे नहीं आज नहीं है। ये देखो क्या मैं पूरा ग्रुप में स्कूल का ग्रुप है यहाँ पे लिख रखा है कि जो इंग्लिश का एग्जाम 16 को होने वाला था वो होगा 21 को। और मैथ्स के उसमें नहीं दिया है अपडेटर को। अगर तेरा पेपर छूटा भाई मेरी क्या गलती, उसमें ग्रुप में तो कोई मैसेज ही नहीं आया। हेलो मरदान आज पेपर था मैथ्स का था आज? नहीं अबे आज मैथ्स का था क्या? नहीं आया भाई मैं। अबे मैथ्स का तो 22 को था शायद, अबे तो 21 को तो इंग्लिश का है ना। मैथ्स का पेपर आज था। शाबाश बेटा शाबाश। पढ़ाई छोड़ दी? पढ़ाई कहाँ छोड़ी मैंने, एग्जाम छोड़ दिया। पढ़ रहा हूँ दिनों से मेरे को भाई, कल इंग्लिश का भयंकर यार मैथ्स। अब तो क्या भाई, क्या यार हद होती है भाई। उनको किसने बोला तेरे दोस्तों को? मैथ्स का 20 को ही था, दिखा 22 पढ़ लिया उसको, 20 को 22 पढ़ लिया मैंने। इतनी बड़ी डेट शीट आती है भाई, साफ लिखा होता है कि 20 को एग्जाम है, 22 को एग्जाम है, 23 को एग्जाम है। तूने वही गलती से गलत देख लिया है। क्या कर रहा है, छोड़ हटा। एग्जाम होता है एग्जाम? बात कर लियो स्कूल में, बात कर लेना। अबे कुछ नहीं होता छोटा बड़ा, चल आजा। जा यार अबे आजा। जो होना था वो हो गया भाई, एग्जाम छूट गया है तो अब ऐसे बैठ कोई फायदा नहीं है। आगे चल नीचे बात कर ले स्कूल में भाई। उठ अबे जाओ यार, मैं आ जाऊंगा। अबे भाई ऐसे बैठे कोई फायदा नहीं है भाई। अबे इतना बेवकूफ कौन हो सकता यार, 20 को था मैथ्स का पहले से, सिर्फ इंग्लिश की डेट चेंज हुई थी भाई। स्कूल में बात कर, री एग्जाम करके एक होता है कि हम एग्जाम में नहीं आ पाए थे तो हमारा फिर से एग्जाम ले लो। मैं से रोज रात को पूछती हूँ रोज रात को कि बेटा तेरा कल पेपर तो नहीं है, कल स्कूल तो नहीं जाना, क्योंकि फिर मैं उस हिसाब से उठती हूँ, मुझे उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी होती है, टिफिन बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है सुबह जल्दी। कल भी मैंने इसको शाम के समय में पूछा था, ओम कल स्कूल तो नहीं जाना, कल पेपर तो नहीं है? नो मम्मा मेरा कोई पेपर नहीं है कल, मेरे को 22 तारीख को जाना है, ये बोला इसने मुझे। बोला कि नहीं बोला, जवाब दे, दे जवाब। इंग्लिश का 16 की जगह 21 को था और मैथ्स का 20 को। शर्म कर ले। फोन यार इसका। अरे मेरे को पता है वहाँ पे 20 लिखी थी, मैंने उसको 22 पढ़ लिया गलती से यार। जीरो को तूने 2 देख लिया, जीरो और 2 में अंतर ही नहीं है यार। पता है अपना अपना छोटी बात नहीं है ये, बहुत ये छोटी बात दिख रही है तेरे को। मेडिकल लगाना पड़ेगा अब, या बात करनी पड़ेगी स्कूल में कि इसकी आंखें खराब हो चुकी हैं, टेस्ट करवा के आओ। सही बात है भाई, अपना में छोटी बात नहीं है। अगर बोर्ड के एग्जाम में ऐसा करेगा ना, अभी तो ये तो वैसे एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम में करियो तू भाई, छोटी बात नहीं है। हाफ एग्जाम छूटना, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं। ट्यूशन जाना है, घर में पढ़ना है, ट्यूशन जाना है, घर में पढ़ना है, हैं? वही काम नहीं हो रहा तेरे से, उसके सब अंडे फोड़ दू।
ओम ने आज अपना पेपर मिस कर दिया है मैथ्स का हाफ ईयरली। क्या सर? पता नहीं भाई साहब को डेट है, डेट आज की है, पढ़ रहे भाई सारे। मैंने कल पूछा था इससे, पता है मैं रोज पूछती हूँ कल बेटा स्कूल तो नहीं जाना, कल पेपर तो नहीं है, कल स्कूल तो नहीं जाना, पेपर तो नहीं है। अगर नहीं पूछा तो पूछ लो, सामने बैठा बच्चा। और मेरे उसमें से जो नाइन्थ का जो मेरे उसमें आधा था मेरे उसमें, इसने मेरा उसमें हटवा दिया और नंबर अपने स्कूल में अपना दे के आ गया है। कि मैं कहती थी ना मेरा भर जाता है, हैंग होता है फोन, तो क्या कहते, तो इसने अपने उसमें मंगवा के रख लिया। तो अब क्या हुआ? मेडिकल लगाना पड़ेगा एक सब्जेक्ट का या बात करके आना कल को? 80 नंबर गए, हाफ ईयरली एग्जाम, इतना बड़ा एग्जाम, मेडिकल लगा के आना मैथ का। इसको पता नहीं था यार, भूल गया, भूल गया भी नहीं, एक होता है भूलना। इसको लगा एग्जाम 22 तारीख को, आज को नहीं है, 22 तारीख को एग्जाम है और डेट आज की है। अब देख रहे साहब, उसने एक बार देखा होगा इन झटके में, हो गया, सीरियसली तरीके से नहीं देखा होगा, तू ही ध्यान दे लिया कर उसका जो। अरे मुझे क्या पता मम्मा, एक बार उसकी डेट शीट देख लेता। ऐसी चीज मेरे साथ लाइफ में कभी नहीं हुई, हाफ ईयरली एग्जाम फाइनल एग्जाम छूट रहे मेरे, मेरी हड्डी फ्रैक्चर हुई थी तब भी मैं एग्जाम देने गया था। कमरे में बैठा है ओम, इसकी ना कुटाई कर दो, जब कुटाई कर दो इसकी, मैं बता रही हूं। इतना केयरलेस क्या हुआ बेटा? इधर मैं सो गया। कैसे? पेपर मैंने इसको नहीं, आज था 20 को, 22 को नहीं था, आज था, और तेरे दिमाग में नहीं था क्यों? क्योंकि जो पेपर इंग्लिश का 16 होता है 21 को हो गया, मुझे लगा मैथ्स का 22 को होगा। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक चार पेपर तेरे होते हैं, तेरे को यही पता नहीं कि तेरे पेपर कौन सी डेट को है? तेरे को यही पता नहीं तेरा पेपर कौन सी डेट को है? शर्म बची है बेटा थोड़ा बहुत, थोड़ा बची है, शर्म नहीं बची है। अब क्या करेगा, क्या करेगा? अब बात करके आना, टेस्ट भी हो सकता है या एक सब्जेक्ट का मेडिकल भी लग सकता है, दोनों बातें हो सकती है। एक सब्जेक्ट का मेडिकल लगाना पड़ेगा, मेडिकल बना कर रही हूं, अभी जाके बात करके आओ, अभी जाके बात करके बोल रही हूं आपसे। या जा तू यहां बात करके आ, जा भाई ले जा स्कूल, इसको ले जा स्कूल, इसको बंद कर, इसको वहीं बंद कर देना। नहीं वो तो कहेंगे भी तो ठीक है, बोलना तबियत खराब है उसकी। नहीं क्यों बोलना है, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, क्यों बोलना है झूठ, झूठ बोलना क्यों सिखा रहे हो, सच बोलना है ठीक है, कहना इसने देखा नहीं ढंग से और इसका एग्जाम मिस हो गया, ये बोलना। तेरे खातिर झूठ भी बोलना पड़ेगा, तेरे खातिर सब कुछ करना पड़ेगा बेटा, हवा में उड़ रहा ना आजकल, हवा से नीचे आ जा, हवा से नीचे आ जा, जो हवा में उड़ता ना उड़ते चले जाते, फिर उनको पता नहीं चलता कहाँ उड़ के कहाँ उड़ रहा और कहाँ गिरेंगे। आंसू बहाने से कुछ होगा? रोने से छोड़ चल, एग्जाम क्या गया हटा, और रोने से कुछ होगा? तो रो का क्यों रो रहा, जब एग्जाम देने जा रहा था उस वक्त गया नहीं, और अब एग्जाम का पता चलता आंसू बहा रहा, नकली आंसू, वो भी नकली आंसू। और रोने से क्या फायदा है, जिंदगी में एक गलती अगर होगी ना, उस गलती को रिपीट मत करो, वो इंसान है। अगर आज कोई गलती कर दी है तो अपनी लाइफ में वो गलती दोबारा रिपीट मत करो। हर गलती हर इंसान करता है, गलती से सीखो अपनी गलती से। आज गलती कर दी, कल फिर गलती कर दी, फिर रो रहे हो, परसों फिर गलती कर दी, फिर जिंदगी में रोते रहो, फिर